हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साधना चतुर्वेदी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के लगभग 7:45 बज रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मेरा खाना बन चुका है, बर्तन धोना बाकी रह गया है। तो फिलहाल ये चाय के बर्तन और थोड़े खाना बनाने के बर्तन हैं, बर्तन मैंने खाली कर दिया है। और उसके बाद रात में मैंने हल्का सा भून के बनाया था वो करेले की सब्जी। अब करेले की सब्जी का लुक ऐसा आया है, देखिए अब मैंने इसको काफ़ी फ्राई कर दिया है तो इसका लुक ऐसा आया है। और मैंने खाने में ये करेले की सब्जी और चावल ये बनाया, जस्ट निकाला है, और दाल और थोड़े से कोफ्ते बच गए थे, थोड़े कोफ्ते रखे पड़े हैं, और रोटी है, रोटी बनाई है। तो इतनी सुबह बहुत जल्दी जल्दी में बनाया खाना। तो फ्रेंड्स खाना तो रेडी हो गया और फिलहाल दूध भी मैंने गरम कर दिया है, दूध मैंने गरम करके रख दिया है। और किचन साफ करने के लिए देखिए फ्रेंड्स रह गया पूरा गंदा मच्छा है, मुझे साफ करना है। सब लोग तो स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड मेरे ड्यूटी जा चुके हैं और कमरा साफ हो चुका है सब हमारा, कम डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, पूजा भी हो चुकी है। बिटिया मेरी सुबह नहा लेती है तो वो सुबह लड्डू गोपाल को नहला देती है, मैं नाश्ते में जुट जाती हूँ, फिर बाद में नहाना खाना होता है। और बेटा मेरा डस्टिंग वगैरह करके जाता है, तो फिलहाल ये कमरा भी साफ है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। ये देखिए आंगन वगैरह सब साफ हो चुका है, बाथरूम वगैरह मेरी बिटिया धुल के गई थी, जैस के लिए बाल्टी में भर के पानी रख दिया जाता है, जब उसका मन होता है तो वो पानी पीता है। और उसके बाद रह गई है धुलाई हमारी, धुलाई मुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पति देव तो 1 बजे आएंगे, तो धुलाई मुझे करनी पड़ेगी। जीना साफ करना है, धुलाई करनी है, बाथरूम साफ करना है, टब बाल्टी धोना है, तो रोज़ का जो मेरा काम है वो फिलहाल ये देखिए कपड़े सब फैला के गए हैं, तो कपड़े उपड़े सब उठाने हैं, टावल देखिए एक अच्छा सा, मैं दिन भर समेटती रहती हूँ। बच्चे हैं मेरे हस्बैंड हैं, सुबह सुबह जल्दी होती है उनको, तो नहा के ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, सबकी टावल अलग अलग है, ये मेरे हस्बैंड की टावल है, ये मेरी बेटी की टावल है, बेटे की टावल तहा के रखी है, वो पापा की टावल यूज कर लेता है, और फिलहाल एक टावल छोटी सी है जिससे हाथ खाना खा के वो हाथ मुंह पोछते हैं, उनके हाथ मुंह पोछने का अलग से टावल रखा गया है ये। तो फ्रेंड्स पूरा क्लीन हो चुका है घर, सिर्फ मुझे धुलाई कार पार्किंग में धुलाई करनी है और अपने किचन को जरा संभालना है बस। तो फ्रेंड्स पहले मैं किचन अपना संभाल लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा किचन कितनी देर में क्लीनर होता है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो मेरा किचन जब क्लीन हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा किचन कैसा क्लीन हो रहा है। देखिए जैस क्या कर रहे हो, जैस को भूख लगी है, मैं इसको अभी नाश्ता दे नहीं पाई हूँ, बट खाना बनाने में रह गई। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को थोड़ा मैंने गुड मॉर्निंग किया और फिर अपने काम में जुट गई हूँ। तो मैं किचन साफ कर लेती हूँ,
फ्रेंड्स उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ट्राईपॉड वगैरह है नहीं, तो मुझे थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है कि मैं काम करती रहती हूँ, बना नहीं पाती हूँ। तो बेटी रहती है, बेटा या मेरे हस्बैंड रहते हैं तो बनवा लेते हैं मेरे साथ ब्लॉग, तो फ्रेंड थोड़ा वैसे दिक्कत होती है। कल चटनी बनाया था तो फिलहाल जार धुल के रख दिया है, खराब हो गया था जार, अभी बनवा के आया है। तभी मुझे सुबह पहले चाय में चाय के बर्तन धो लूंगी, उसके बाद खाने के बर्तन धोऊंगी, सिंक धोऊंगी, पीने का पानी अलग से मैं स्टील की बाल्टी में भरती हूँ, तो पीने का पानी में ये सब कुछ ऊपर ही मांजना धोना है, और ये बैठ के नीचे धो के मैं इसमें लगा दूंगी। और उसके बाद थोड़ी सी चाय बची है चाय में पीऊंगी, और फिर अपनी किचन की धुलाई करूंगी, अपने गैस की धुलाई करूंगी, और उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो फ्रेंड्स ऊपर की मैंने देखिए साफ सफाई कर दी है, कप वगैरह धो दिया है, पीने की बाल्टी मांज दी है, जग वगैरह धो दिया है, और वेशिंग में धो दिया है मैंने, देख सकते हैं आप, बाल्टी पीने की मांज बाज के रख दी है, और जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने साफ कर दिया है, बर्तन पे धूल जम जाती थी उस पर भी रोज कपड़े मार देती हूँ, और इधर भी मैं रोज कपड़े मार देती हूँ, ये भी स्टील का रैक है तो इसको मैं रोज कपड़े मारती हूँ। मैं ये खिड़की हमारी खुली है ना, तो फिर धूल आ जाती है ऊपर से, जीने से ऊपर देखिए सब खुला पड़ा है तो धूल आ जाती है। फिलहाल मैं नीचे की डस्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बैठ के खाना वाना बनाती हूँ तो आटा वाटा गिर जाता है, तो ये मसाल दाने वगैरह मैंने सब साफ कर लिया है, आटे का ड्रम वगैरह सब साफ कर लिया, चावल का डब्बा सब साफ कर लिया मैंने। फिलहाल ये चीनी चाय पत्ती की डब्बे हैं, कल खाली हो गया था सब, मसाला भरने के बाद ये भी सब खाली हो गया था, तो फिर मैंने ये चाय पत्ती भर के रखा इसमें, और इसमें चीनी भर के रखा है। तो इसमें चीनी भर के रख दिया मैंने, और फिलहाल यहाँ साफ कर दिया है, थोड़ी सी चाय है उसको मैं गर्म कर रही हूँ, मैं सोची पी जाती हूँ, वैसे चाय पीती नहीं मैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी पी लेती हूँ। अब नीचे के बर्तन रह गए हैं, नीचे के बर्तन तो धोते समय वीडियो बना नहीं सकती फ्रेंड्स, ये मेरा ही कप है और सबका अलग अलग अपना कप है, तो मेरी बेटी के कांच के हैं, और मेरे पति और उनका वो है, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था मुझे ये मेरे ही नाम का, तो ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। फिलहाल चाय छान लेती हूँ मैं, काफ़ी गर्म चाय होगी, मैं तो गर्म चाय पीती नहीं, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई, जब से शादी हुई है तब से मैं बिल्कुल ठंडी चाय पीती हूँ, काम करती रहती हूँ लेट हो जाता है तो ठंडी चाय हो जाती है, तो फिर आदत सी बन गई है कि ठंडी चाय में पीऊँ तो गर्म नहीं पीती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं जी पता नहीं शांतनु का शर्ट का शायद बटन टूट गया है, देखिए अपने रोज अपना बटन तोड़ देता है ये, पन्नी में अलग कूड़ा करके रख देती हूँ गीला कूड़ा। कभी कभी धो के मैं गमले में भी डाल देती हूँ, क्योंकि अगर इसको पौधे में डालो तो खाद का काम करता है काफी अच्छा, इसे मनी प्लांट वगैरह बहुत अच्छा वो होता है। अब रह गया मेरी चाय जब तक ठंडी होगी, क्योंकि मैं गर्म चाय पीती नहीं फ्रेंड्स, तो मैं पहले अपना गैस साफ कर लेती हूँ। कल बार खत्म हो गया था तो फिर मैंने निकाला,
इसको धो देती हूँ, ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो इसको चाहे हम गीले कपड़े से साफ करेंगे, साफ होगा नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल चिपचिपापन हो जाता है, इसलिए मैं रोज़ अपना गैस धुल देती हूँ। पानी जाने की जगह है वहाँ पे, तो फिर मैं धुल ही देती हूँ कि साफ हो जाए, और फिर इसको सूखे कपड़े से साफ कर देती हूँ। तो ये ऐसे खड़ा कर दूंगी, पानी निचोड़ जाएगा। तो गैस मेरी क्लीन हो गई है, अब रह गया चूल्हा। चूल्हा मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद फैंस आपको दिखाती हूँ अपने किचन में। जैस का नाश्ता दे दिया मैंने, जैस बैठे हैं पता नहीं कहाँ बाहर, डॉगी वगैरह। मैं झाड़ू लेके जा रही हूँ, यहाँ का बाथरूम तो साफ हो गया, सुबह बिटिया रानी मेरी साफ करके गई थी। जैस का नाश्ता, जैस जैस आओ खा लो, आओ, आ रहे हैं भागे भागे, आओ खा लो, खाओ। ये बहुत नौटंकी बाज है, बच्चे चले जाते हैं, नौटंकी बहुत करता है, गेट पे बैठा रहता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल मेरे बर्तन धुल चुके हैं, बर्तन धुल चुके हैं, अभी मैं किचन की धुलाई करने जा रही हूँ। मैं पानी तेज से ऐसे डालती हूँ ताकि अंदर का जो कूड़ा हो, ये देखिए फ्रेंड्स इधर से कूड़ा निकल के आ रहा है, तो कूड़ा फटाक से निकल के आ जाए, इसीलिए मैं रोज़ धुलाई करती हूँ अपने किचन की। मुझे धुलाई पसंद है, मैंने आपको कई बार बताया है। ये देखिए सारा किचन साफ हो जाएगा, अभी मैं बाहर का पंखा चला दूँगी, फटाफट साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने धुलाई कर दी है, अब मैं वाइपर लगा रही हूँ ताकि फटाफट सूख जाए मेरा किचन, और बाहर का पंखा मैं खोल दूंगी तो जल्दी सूख जाएगा। धुलाई करने के बाद मैं वाइपर लगा देती हूँ ताकि ऐसा लगे कि पोछा लगा है। ये देखिए कितना क्लीन हो जाता है, जैसे आप किचन में आएंगे बिल्कुल चिपचिपाहट और बदबू महसूस नहीं होगी। चिल्ला रहे हैं, उनको नाश्ता दिया है, ऊपर नाश्ता नहीं कर रहे हैं, बहुत गंदा होता है, तो मैंने ब्रश रख रखा है, ब्रश से मैं साफ करती हूँ। फिलहाल पानी पीने का भरना है, और फिर पंखा लगा देती हूँ, कफ रख देती हूँ यहाँ, और मेरा किचन हो गया एकदम क्लीन। ये देखिए गैस धोने के बाद कितनी क्लीन और साफ दिखती है, काफी पुराना मेरा गैस है, मेरी मम्मी ने दिया था, और मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। पीने का पानी भरना है, टंकी खाली होगी तो फिर मैं पानी चलाऊंगी इकट्ठा, फिर भरूंगी। फिलहाल मैं झाड़ू और कूड़ा सब हटा देती हूँ, डस्टबिन में कूड़ा डाल देती हूँ, झाड़ू में खड़ा करके रखती हूँ ताकि पानी निचुड़ जाए और झाड़ू सड़े ना। तो यहाँ झाड़ू रखा था, गीला हो गया था फ्रेंड्स, पंखा चला देती हूँ तो जल्दी सूख जाएगा, और कि लाइट ऑफ कर देती हूँ, लाइट ऑफ कर दी मैंने और पंखा चला दिया है। पंखा बीच में जाम हो गया था दिवाली में साफ सफाई करने के चक्कर में। ये देखिए ये अपना नाश्ता ही नहीं कर रहे हैं, जैस खा लो, खा अच्छे बच्चे, खा लो, नहीं खा रहा, नौटंकी कर रहा। ये देखिए कितना मट्टी कर रहा है, छत से जा रहा है, आ रहा है, बाहर डॉगियों को देख रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे फिलहाल, हम जा रहे हैं धुलाई करने। वैसे मेरे पति देव रहते हैं या बेटा रहता है तो धुलाई कर देता है, कहते हैं मम्मी मैं नहीं रहूंगा तो कैसे करूंगी। मैंने कहा बेटा कोई नहीं रहता है तो करना ही पड़ता है, कोई अपना घर गंदा तो रखता नहीं है। तो फिलहाल मैं पाइप मुड़ जा रहे बार बार,
दिवाली के दिए तक रखे हैं अभी हर जगह सजा सजा के। ये हमारा नल यहाँ पे पहले हम लोगों ने सप्लाई वाला लिया था, पानी आता ही नहीं था, फिर हम लोगों को मोटर लगवाना पड़ा है। धुलाई कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद बाथरूम साफ़ करूँगी। बाथरूम साफ़ करने के बाद टब बाल्टी माजूँगी, टब बाल्टी धोने। देखिए अभी बाथरूम मेरा गंदा पड़ा है, टब बाल्टी मुझे धो माजना है। मैं रोज़ डेली टब धोती हूँ अपना। आज बच्चे साइकिल से गए हैं क्योंकि उनके पापा के सुबह की ड्यूटी लग गई है, तो बच्चे गाड़ी से जा नहीं पाते हैं। बेटा और बेटी दोनों अपने साइकिल से अलग अलग गए हैं। फिलहाल मैंने अपने नहाने के कपड़े निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। छत पर कल मेरे बेटे ने सफाई करी थी और पता नहीं कैसे करी थी, क्या है मैं देखने नहीं गई। शाम को गई थी कपड़े उतारने, पता नहीं उसने क्या ही सफाई करी थी। बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, बाहर एक गैया घूम रही है, जैसे उसके पीछे पड़ जाएगा। छोटी सी गैया है, देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको दिख रही है। पहले हम लोग आए थे, कोई मकान बना नहीं था, लेकिन अब फिलहाल सभी बन गया है। और अभी देखिए मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। जैस देखिए नाश्ता नहीं कर रहे हैं, अभी देखिए कैसे करते हैं नाश्ता। कुछ चिता नहीं कर रहे हो ना, नाश्ता नहीं कर रहे हो ना, रुको तो वहाँ नाश्ता गैया को दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा किचन भी सूख गया है, कितना क्लीन क्लीन साफ लग रहा है बिल्कुल। पंखा चला दिया तो जल्दी सूख गया वाइपर मारने से। ये लो खाओ, नहीं दे आएंगे हम, खाओ खाओ। चलो ठीक है दे देते गैया को। आ रहा है देखिए, ले आओ खान चाय मत खान। अब मैं दे रही हूँ, रुक जाओ दे देती हूँ मैं। भाग गया देखिए, बहुत सारे पानी की वजह से भाग गया, कहीं मुझे नहला ना दे। पौधे में बैठे आराम से, पानी से बहुत डरता है, इसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। फिलहाल मैं अभी पीने का पानी भर रही हूँ, फटाफट पीने का पानी भर लेती हूँ। मोटर काफ़ी देर से मैंने चलाया था, मैंने गई धुलाई करने तो वहाँ पानी ख़त्म हो गया, तो मैंने मोटर चलाई फटाफट। मैंने कहा भर टंकी भरने वाली होगी, कहीं छत पे गिरी ना गया हो। फिलहाल पीने का पानी भर रहा है और मैंने पीने का एक जग भर लिया है, दूसरा जग भी भर के रख लिया पीने के लिए। तो आज का फ्रिज का कोई पानी पीता नहीं है। तो फ्रेंड्स पीने का पानी भर लिया, जग भर लिया है, और मैं पंखा बंद कर देती हूँ। पंखा काफ़ी देर से सूखने के लिए मैंने चलाया था, और फिलहाल मेरी धुलाई भी हो चुकी है, और ऊपर छत पर शायद पानी गिर रहा है। मैं मोटर बंद कर देती हूँ पहले। और बाथरूम भी क्लीन हो चुका है, मैं रोज़ ब्रश से रगड़ती हूँ फ्रेंड्स, और टब भी अपना मांजती हूँ रोज़ ही। साबुन ऊपर रख देती हूँ, नीचे रखने से पानी पड़ेगा तो गल जाएगा।
डेली यूज के कपड़ों में रोज धोती हूँ, पोछा और किचन का कपड़ा रोज साबुन से धुलती हूँ। तो टपोट मैंने माज दिया है, बाथरूम क्लीन कर दिया है मैंने, लाइट बंद, छत का व्यू दिखाती हूँ आपका। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, टंकी भर के गिर गई थी। मैं नहा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला टप वगैरह भरा नहीं। फिलहाल देखिए मेरे प्लांट वगैरह सब सूख रहे हैं धीरे धीरे। ये मैंने तुलसी माता का पौधा लगाया है और ये मेरा गुलाब है, ये अंग्रेजी फूल है और ये मेरा अनार है। ये अनार जब भी खिलता है पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे जगह नहीं मिल पा रही है, नए पत्ते निकल रहे हैं इसमें। नीम का पेड़ है, सारे पत्ते झड़ गए, थोड़े थोड़े रह गए। तो छत का व्यू मेरा कुछ ऐसा है, मैं नीचे वाली छत में खड़ी हूँ। फिलहाल कपड़े मेरी बेटी अपना धो के गई थी, मेरा धुल गया है। बेटा मेरा वो रोज़ वॉशिंग मशीन में भर देता है कपड़ा, और मेरे पति देव भी भारी भरकम जो भी कपड़े होते हैं मैं सब वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। पानी गिर रहा है, पानी की वजह से इतना काई लग जाता है। मेरे बेटे ने झाड़ू लगाया फिर से भी इसके बाद साफ जैस रहने नहीं देता, इसकी वजह से जीने में बहुत मिट्टी रहती है। झाड़ू लगाया तो उसने इन किनारे किनारे मिट्टी लगा के रख दी है सब, अभी सब मुझे उठा के फेंकना पड़ेगा तो मैं इसे फेंकूंगी। ये देखिए पैर में मिट्टी लग जाती है, जीना गंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर के ठीक सामने प्लाजो है, काफ़ी बड़ा प्लाजो है, दुकान प्लाजो हर चीज़ नीचे मौजूद है। नीचे दुकानें हैं, अंडरग्राउंड दुकान है, ऊपर प्लाजो है, यहाँ शादी वगैरह होती है। ये सामने के घर हैं, यहाँ काफ़ी बड़ा मंदिर है और ये सब सामने अभी जस्ट हमारे सामने ही बना है। उधर बेल का पेड़ है, नीम का पेड़ है और ये प्लाटिंग चल रही है। यहाँ घर बना के सब बिल्डर बेच रहे हैं, तो ये बिल्डर वालों के मकान है, सारे आधे बिक चुके हैं, 2,000 बाकी हैं क्योंकि बनने से पहले ही बुकिंग चल जाती है यहाँ पे, न्यू पड़ा और बुकिंग स्टार्टिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे बेटा कपड़ा टांग के गया है, बेटी धो के जाती है और बेटा कपड़ा टांग के जाता है। जैस पौधन कहाँ से कहाँ ले गए। सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी, पति देव भी मेरे छोड़ के गए हैं कपड़े, डेली यूज वाले तो ये हैं। फिलहाल मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। मेरी बहन कवर सिल गया, देखिए वॉशिंग मशीन में पहले से कपड़ा भरा है, अभी धुला था मैंने, अभी कितने दिन हुए धुले, लेकिन उसने फिर से चालू कर दिया। अब पहले बेल्ट वगैरह निकाल लेती हूँ, बेल्ट लगा है वरना इसी में धुल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मैंने सारे वॉशिंग मशीन में कपड़े भर दिए हैं, अब पूरा फुल हो जाएगा तभी मैं इसको चलाऊँगी। और फिलहाल सारा काम ख़त्म हो चुका है मेरा, अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद पहले एक गिलास पानी पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स काम कर करके चेहरा क्या क्या हो गया मेरा चेहरा, लेकिन यह फिलहाल भाग दौड़ में सुबह मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, अपने चेहरे का तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ। कब शॉर्ट वीडियो बनाना होता है तैयार हो जाती हूँ। तो फिलहाल काम सारा ख़त्म हो गया है मेरा और अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपसे मैं पानी पीने लग गई थी, तो मेरे हस्बैंड आएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी। फिलहाल मैंने सोचा कि लाओ फटाफट बाल भी बना लेती हूँ, बाल बनाए बनाए कितने दिन हो जाते हैं, मैं ऐसे जूड़ा लपेट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैंने बाल वाल भी बना लिए हैं अपने और एक गिलास सिर्फ पानी पिया है। अब पति देव आ जाएंगे मेरे तभी खाना खाया जाएगा साथ में, 1 बजे करीब आएंगे, सुबह 6 बजे के गए हैं चाय पी के खाली। अब आएंगे तो पहले नहाएंगे, नहाने के बाद मतलब पैर फ्रेश होंगे फिर नहाएंगे ना, और फ्रेश होने के बाद नहाने के बाद तो हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे क्योंकि साथ में ही खाना खाते हैं हम लोग। बच्चे आ जाएंगे 2-2.5 बजे, फिर वो बेटी तो सोई जाती है, बाकी फिर फ्रेश इतना शैतान है देखिए कि मैंने उसे नाश्ता दिया और उसने खाया नहीं। अब मेरी बेटी आएगी तभी उसे नाश्ता कराएगी
और कब से मैं कह रही हूँ उसे नाश्ता करने के लिए, वो कर नहीं रहा है और मुझे भी टेंशन हो रही है, भूख लग रही है उसे लेकिन वो खा नहीं रहा है। पता नहीं इसकी कितनी गंदी आदत डाल दी मेरी बेटी ने कि वो अपने हाथ से खाना खिलाती है तो ये खाता है। तो फ्रेंड दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बैठा पड़ा है, ये देखिए कैसे बैठे पड़ा है, इनका नाश्ता सब रखा पड़ा है और ये खा नहीं रहे हैं। जैस खा लो, जैस खाओ, चलो खाओ 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 खा लो खा लो। देखिए इसकी शैतानी, तुम शैतानी। फ्रेंड्स सब बच्चे और मेरे हस्बैंड आ जाए तो फिर खाना खाते हैं, देखिए कब खाना मिलता है। फिलहाल मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करती हूँ और साथ में खाना हम लोग खाते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाए तो फिर देखिएगा आप, हम लोग साथ साथ में खाना खाएंगे। फ्रेंड्स मेरे पतिदेव आ गए हैं, मैंने खाना निकाल दिया है, थोड़ा सा कोफ्ता निकाल दिया तो, और करेले की सब्जी निकाल दी है, रोटी निकाली है जिसमें घी लगा दिया है मैंने, और थोड़ा सा मिर्ची का अचार है और दाल है, और मैंने ने अपना तो सब खिचड़ी पका लिया है, मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो फिलहाल मैं खाना लेके जा रही हूँ और हम लोग खाते हैं मिलके। वो आते टीवी खोल के बैठ गए हैं पहले, लो आज हम लोग नीचे बैठ के खाएंगे। चटनी चाहिए, चटनी चटनी नहीं खाएंगे, शांतनु खाएगा मेरा चटनी। तो फिलहाल हम लोग खाना खाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, अब जाएंगे तो फिर वो दोनों भाई बहन साथ में खाएंगे। फ्रेंड्स सुबह से शाम हो गई है और दोपहर में मैं सो गई थी तो मैंने वीडियो अपना उतना ही छोड़ दिया था, और शाम हो गई है तो मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। खाना बन चुका है, शाम का पूरा खाना बन चुका है, 8 बज रहे हैं, खाना बन चुका है पूरा, और मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। जो मसाला मैं बना के रखती हूँ मुझे 2 4 दिन के लिए, 4 5 दिन के लिए आराम हो जाता है, तो उसी मसाले की तैयारी कर रही हूँ। देखिए इतना फ्रेंड्स लहसुन छील रही हूँ, प्याज अदरक और मुझे मिर्चा उर्चा वगैरह टमाटर सब का अभी, मतलब प्याज लहसुन छील लूँ, अदरक छील के रख लूँ, टमाटर सिर्फ काटना होगा। तो फ्रेंड्स इसी सब्जी की वजह से मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, मतलब इसी मसाले की वजह से मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, मेरी सब्जी तैयार हो जाती है। आज के लिए इतना ही वीडियो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय। और जैस देखिए क्या कर रहे हैं हमारे, शाम होते ही टीवी चलने लगती है तो आकर टीवी देखने लगते हैं, तो मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, वो टीवी देख रहे हैं, और शांतनु पढ़ाई कर रहा है। और बस बाय बाय, टेक केयर।